लेक्चर से भाई साहब क्लास में बैठे हैं यार आप। लेक्चर 71 स्टार्ट करते हैं जी। ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था एडजस्टमेंट नंबर 4 तक, कोई मसला है तो बताएं। एडजस्टमेंट 2 नहीं की थी, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। सवाल कंप्लीट करने की कोशिश की थी जी। अच्छा, ये सवाल ही कंप्लीट, मैंने सोचा था 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन एक घंटा इस पे लग गया। मार्कअप मार्जिन वगैरह भी डिस्कस किया, सारा सवाल पूरा किया, और फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में सिर्फ डिविडेंड की बात करके चेंज इन इक्विटी फिर नहीं बना सके। तो बताइए आपको, ये तो फिर जब तक इसकी तसल्ली नहीं होगी। लेकिन कल से जरा बेहतर हो जाएगा टाइम, कल से जरा ज्यादा टाइम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी पे लगने लग जाएगा, लेकिन हम रेक्टिफिकेशन को साथ लेकर चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जब भी क्वेश्चन कहूं करना है तो पूरा सवाल एक बार कर देना, आपकी प्रैक्टिस का टाइम इंक्रीज हो रहा है इस रेक्टिफिकेशन में, ठीक है। एडजस्टमेंट 1, इनवॉइस 3700 की डेबिट हो गई थी, परचेजेस में चीजें हमारी ईयर एंड के बाद आई थी, तो हमने कहा था ये हमारी परचेज नहीं है, तो नहीं होनी चाहिए, एंट्री हो गई थी, एंट्री हमने उसको क्या किया था कल रिवर्स, कोई मसला इसमें। सेकंड एडजस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड थी, गलती से ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड बन गई। देखें, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज में पास कर रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए, जरूरत नहीं थी सवाल की रिक्वायरमेंट में रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करना नहीं था, जबानी सोचा जा सकता है। कैसे, ये हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया था, इसके अंदर अगर आप देखें वो क्या कह रहा है जी, एडजस्टमेंट द्वारा पढ़ें क्या कह रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ड, गलती से कैरेज आउटवर्ड बन गया, कैरेज इनवर्ड जीपी से ऊपर आता है और कैरेज आउटवर्ड जीपी से नीचे, गलती से एक चीज जो जीपी से ऊपर आनी चाहिए थी वो जीपी से नीचे आ गई। यानी अगर हम इसको सही करें तो हम इसको जीपी से ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, बोलो। एक एक्सपेंस अगर इधर रिकॉर्ड होगा तो उससे जीपी कम हो जाएगा, और इधर गलत रिकॉर्डेड है यहां से उसको निकाल देंगे, जब यहां से एक्सपेंस कम होगा निकलेगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नेट में इंपैक्ट जीरो होता है, लेकिन नेट इंपैक्ट हमने सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अब इतना काम काफी था, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं ये काम कर भी देता हूं, ठीक है। काम हो गया, काम क्या हुआ, आपने कहा जी रिटर्न इनवर्ड थी, गलती से रिटर्न आउटवर्ड हो गई, तो जब उसको रिटर्न इनवर्ड में रिकॉर्ड करेंगे तो उसने प्रॉफिट को क्या कर देना है कम, ये लिखा हुआ है ऊपर, कल लिख गया था वैसे, अच्छा, इसने प्रॉफिट को क्या कर देना है कम, और रिटर्न आउटवर्ड नहीं थी, गलत रिकॉर्ड हुई, रिवर्स करना है, तो जब एक्सपेंस को कम करेंगे तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो 2000 प्लस, ट्रीटमेंट तो इतनी थी बात से भी हो गया, लेकिन हम एंट्रीज भी कर लेते हैं, हो सकता है किसी सवाल में वो एंट्रीज मांग ले इसी तरह, ठीक है ना, जरा प्रैक्टिस हो जाती है सवाल कराते हुए, इसलिए मैंने कहा था ये 5 सवाल करेंगे, 5 सवाल में चाहे 10 दिन लग जाएं, क्योंकि इसमें तकरीबन हर चीज हमारी कवर हो जाएगी, और जो चीजें नहीं भी रिक्वायर्ड होती मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं ताकि सवाल ओवरऑल हमारे तैयार होते चले जाएं, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, रिटर्न इनवर्ड थी, ऐसे ही है, सॉरी कैरेज इनवर्ड था, तो कैरेज एडजस्टमेंट नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन लिख लो, जो मर्जी लिख लो, कैरेज इनवर्ड एक एक्सपेंस होता है, ठीक है जी, ये डेबिट करके कैश क्रेडिट करना था 2000 से, गलती से कर गए कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 2000 से, ठीक है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, कैरेज इनवर्ड को डेबिट कर देंगे और कैरेज आउटवर्ड को क्रेडिट कर देंगे। अब ये जीपी से ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनता है और ये जीपी के बाद एक्सपेंस बनता है, ठीक है ना, तो 2000 और 2000, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री का असर क्या पड़ रहा है, एक कॉस्ट ऑफ सेल में एक्सपेंस बढ़ रहा है, यानी जीपी से ऊपर वाला एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट जीपी वाला, जीपी जो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और एट द सेम टाइम कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस कम हो रहा है, यानी कि जीपी के बाद वाला एक एक्सपेंस जो है वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे फिर नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन आउट जब रिवर्स किया हमने तो ये 2000 प्लस हो गया, तो वो एंट्रीज करने की जरूरत भी कोई नहीं थी, फिर भी एंट्रीज करके आपको समझा दिया, इसमें कोई मसला तो बताएं, चलें आगे। अच्छा, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई थी, एडजस्टमेंट 3 हमने यहां से समझी थी, स्टॉक शीट्स बना के बकायदा, ये याद आ रहा है, 2380 की बजाय 21830, तो मैंने कहा था कि मत करो ओरिजिनल रॉन्ग की बात, पीरियोडिक सिस्टम में सुकून से स्टॉक पे इंपैक्ट देखो, स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक क्रेडिट रेक्टिफिकेशन में, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ऐसे सीखा था, इसमें कोई मसला है तो बताएं, बोले। ये थर्ड एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई थी, स्टॉक कम हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी से ऊपर आती है, एक्सपेंस बढ़ गया था, तो एक्सपेंस के बढ़ने से ये प्रॉफिट कम हो गया था, ठीक है, चले। उसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट थी जी, एडजस्टमेंट नंबर 4, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी, एडजस्टमेंट 4 ये आपके सामने होना चाहिए था, क्या हो गया, क्या तो सही कर लो, सेल्स को डेबिट करो, डेटर को क्रेडिट करो, सेल्स कम हो रही हैं, सेल्स के कम होने से, ये नहीं लिखा हुआ हमने यहां पे,
ये एडजस्टमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ, एडजस्टमेंट नंबर 4 का इंपैक्ट, सेल्स को क्या कर दो डेबिट, सेल को क्या कर दो डेबिट, तो सेल्स डेबिट होने से सेल्स कम हो रही है ना, लेकिन इनकम कम हो तो, इनकम कम हो तो, इनकम कम हो तो प्रॉफिट भी कम होता है, सेल्स जीपी से ऊपर आती है, तो ये कल नहीं लिखा था हमने। चलो अब लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 4, सेल रिवर्स्ड ना लिखो अंग्रेजी, एडजस्टमेंट 4 लिख देना काफी है। कितना जी? 23,000 लेस, ठीक हो गया जी, डेटर बैलेंस शीट आइटम है, उसका कोई असर नहीं, ठीक है। साथ साथ नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट मैंने कहा था नहीं देखना, एंड पे एक ही बार देख लेते हैं। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, किसी को? चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट थी जी, जी आपको मैंने ये बताया था कि आप अगर अपने पास कुछ बेचने के लिए चीजें रखी बैठे हैं, यानी आपकी इन्वेंटरी में चीजें पड़ी हैं, और वो चीजों की नेचर ऐसी है, जैसे मिसाल के तौर पे एसी है, आपने एसी बेचने के लिए रखे हुए हैं, ये आपकी इन्वेंटरी है, आपने एसी बेचने वाले एसियों में से एक निकाल के अपनी दुकान में लगा के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अब इसकी नेचर बदल गई, अब ये फॉर सेल इन्वेंटरी नहीं है बल्कि फॉर यूज फिक्स एसेट है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, कर सकते हैं इस्तेमाल लेकिन एक एंट्री पास करनी पड़ती है, फिक्स एसेट डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट अगर परपेचुअल सिस्टम है, और परचेजेस क्रेडिट अगर पीरियोडिक सिस्टम है। ऐसे ही आपकी दुकान में कुछ नट बोल्ट कुछ इस तरह की चीजें पड़ी हुई थी जो आप बेचते हैं, लोग जो भी रिपेयर करवाते हैं अपनी चीजें, वो आपसे जो वो चीजें खरीद के ले जाते हैं, आपकी इन्वेंटरी है। आपने अपनी दुकान के अंदर अपने कारोबार के अंदर कोई रिपेयर करवानी थी तो आपने वही चीजें उठाकर रिपेयर कर ली, तो बिल्कुल कर सकते हैं, रिपेयर एक्सपेंस बढ़ गया लेकिन कैश क्रेडिट नहीं हो रहा, पैसे नहीं पे किए, परचेजेस अगर पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल अगर सिस्टम है तो इन्वेंटरी को क्रेडिट कर दो, एंट्री ये करनी पड़नी है, रिपेयर डेबिट और परचेजेस या इन्वेंटरी क्रेडिट। लेकिन अहम बात यह है कि इन दोनों में से जो भी काम करो एंट्री को करना विद कॉस्ट है, खुद को चीज बेच के खुद से प्रॉफिट नहीं, सेलिंग प्राइस में तो हमने प्रॉफिट भी लोड किया होता है, तो हम अपनी इन्वेंटरी से चीज निकाल के अपना एसेट बनाए और बीच में खुद से प्रॉफिट भी कमा ले, तो खुद से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, ठीक है जी। तो अच्छा जी, तो अब ये एंट्री करनी है विद कॉस्ट करनी है, लेकिन सवाल में मसला क्या है, गुड्स हैविंग, कौन सा सवाल था, 14, गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 4500 आर यूज फॉर, तो एंट्री तो ये करनी है, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्योंकि हमारा पीरियोडिक परचेजेस क्रेडिट, लेकिन करनी किससे है, करनी किससे है, कॉस्ट से। अब गिवन है सेल प्राइस और नीचे बताया गया है मार्कअप यूज कर रहे हैं 25%, तो इसको जरा यहीं पे रोको, मार्कअप मार्जिन को रिवाइज करके आते हैं थोड़ा सा, ये सीख लें जरा, ये उधार रह रहा था, ठीक है। अच्छा जी, पेज नंबर है 462, पेज 462 ओपन करें, मार्कअप मार्जिन के 6 छोटे छोटे सवाल गिवन है, 2 मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, बल्कि 3 मैं करवा दूंगा, तो बाकी 3 आप होमवर्क में कर सकेंगे। फिर पेज 462 क्वेश्चन नंबर 1 पहुंच गए सब, सवाल को पढ़ते हैं, देखिए जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज, दोबारा से हाईलाइट करता हूं, दूर से नजर आए जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 8 लाख और रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करो सेल्स, और दरमियान में वास्ता है मार्कअप मार्जिन का, मार्कअप है या मार्जिन ये देखते हैं जी, कहता है गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, या ये यूं भी लिखा हो सकता है गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, यार ये मैं निकाल देना है अब तुम लोगों को, प्लीज चुप कर जाओ, सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस, कॉस्ट प्लस, यानी कि फिर गौर करने की बात ये है कि प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ लिंक कर रहा है, प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ मुख्तलिफ पेपर से एडजस्टमेंट्स अंग्रेजी लिखी हुई उठाई गई है, ये किसी भी तरह से लिखा हुआ आ सकता है, पता लग रहा होता है कि कॉस्ट के साथ लिंक कर रहा है, या जैसे ये लिखा हुआ है गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप, अच्छा मार्कअप जो होता है वो ऑन कॉस्ट होता है, ये बात याद कर लेना, जो इसके अलावा वाला हो फिर वो ऑन सेल हो जाएगा, ठीक है, मार्जिन वगैरह वो बाद में देखते हैं, ठीक है, तो मार्कअप बस याद रख लो, मार्कअप होता है ऑन कॉस्ट, ठीक है,
मार्कअप ऑन कॉस्ट है। मार्कअप ये याद रखना है, ये ऑन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, या यूं लिखा हो सकता है गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप ऑन कॉस्ट, या 20% मार्कअप भी सिर्फ लिख सकता है। तो इन सारी बातों से जो हमें पता चला है, मुख्तलिफ तरीके लिखे हुए थे, सब तरीकों में पता क्या लग रहा है, प्रॉफिट किसके साथ लिंक कर रहा है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, 20% अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट, कॉस्ट प्लस कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, यानी प्रॉफिट को किसके साथ लिंक कर रहा है, कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो फिर हम सिचुएशन, दो सिचुएशन, कभी सेल के साथ लिंक करेगा प्रॉफिट को, कभी कॉस्ट के साथ। फिलहाल पहली सिचुएशन क्या, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को लिंक कर रहा है। टू स्टेप अप्रोच होगी हमारी मार्कअप मार्जिन में। स्टेप वन में हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कौन सी, वो जो सीए का बच्चा होना जरूरी भी नहीं है इक्वेशन बनाने के लिए, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। आपको कुछ चीज पड़ती है, खरीदते हैं, कॉस्ट पड़ती है उसकी, कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर उसको मार्जिन ऐड करके बेच देते हैं आप, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को बनाने का उसूल क्या होगा, जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम कर लेना। अभी मैंने सवाल पढ़ाया, प्रॉफिट की परसेंटेज किसके साथ लिंक्ड है, सेल के साथ या कॉस्ट के साथ, तो जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम कर लो और इक्वेशन पूरा कर लो, ठीक है। अब किसको 100 अज्यूम करोगे, कॉस्ट को, तो 100। प्रॉफिट कितना सवाल में गिवन है, 20, तो सेलिंग प्राइस, ये बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल आई, सेल सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, ठीक है। स्टेप वन हो गया। अब स्टेप टू, इक्वेशन बनने के बाद फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, रिक्वायर्ड अमाउंट बराबर होती है गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इंटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। तस्वीर खींच लेना, सबर करो, अभी समझ तो लो। ये फॉर्मूला आप पहले लगा चुके हैं, सिर्फ बताया नहीं था आपको। अगर आप याद करें अकमल ब्रदर्स वाला सवाल जो IAS 16 में करवाया था, जिसमें एसेट की कॉस्ट मिसिंग थी, बुक वैल्यू से कॉस्ट निकाली थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि बुक वैल्यू सवाल में गिवन है, लेट से 25,000, कॉस्ट गिवन नहीं है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, तो हमने कहा था 100 अज्यूम कर लो डेट ऑफ परचेज पे कॉस्ट, और 100 को डेप्रिशिएट करते 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 जिस दिन बुक वैल्यू पड़ी उस दिन पर 100 को ले आओ। और मैंने कहा था ये परसेंटेजेस के अंदर हमने कैलकुलेशन की है, ठीक है। फिर हमने कहा था ये बुक वैल्यू, लेट्स से 65% आया, हम कहते थे ये 25,000 जो है ये 65 पे पड़ा है, डिवाइडेड बाय 65, और चाहिए हमें कॉस्ट जो 100 पे पड़ी है तो इंटू 100 हमने कॉस्ट निकाली थी। यही फॉर्मूला लगाया था असल में, ये फॉर्मूला सिर्फ लिखा नहीं था, इसका नाम नहीं लिखा था, फॉर्मूला आपको ये लगाना आता है, ठीक है। आज इसको पक्का कर रहे हैं, बात समझे हो। हम क्या कहते थे, बुक वैल्यू गिवन होती थी, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय वो परसेंटेज निकालते थे बुक वैल्यू की 65 लेट्स से, और मल्टीप्लाई करते थे 100 से, कि कॉस्ट 100 पे पड़ी हुई है, तो यही फॉर्मूला था। कॉस्ट चाहिए होती थी, हम कहते थे बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू की परसेंटेज इनटू कॉस्ट की परसेंटेज, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड अमाउंट निकालने का, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, ठीक है। अब अपने सवाल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैंने स्टेप वन में क्या किया जी, इक्वेशन बनाई, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट लिंक्ड था तो कॉस्ट को 100 अज्यूम किया, प्लस 20 किया, सेल आ गई 120। अब मुझे बताओ सवाल के अंदर कॉस्ट गिवन है सेल निकालनी है, या सेल गिवन है कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट गिवन है सेल निकालनी है, तो रिक्वायर्ड क्या है, सेल, रिक्वायर्ड क्या है, सेल, गिवन क्या है, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है, 800,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो 800,000 गिवन अमाउंट है। अब ऊपर इक्वेशन के अंदर इसकी परसेंटेज देखो, इसकी परसेंटेज ऊपर गिवन है 100, देखो कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है 100, हमें क्या चाहिए, सेल, सेल की परसेंटेज इक्वेशन में कितनी है 120, तो इनटू 120 आंसर आ गया 960,000, ये है सेल। ये क्वेश्चन नंबर वन आपको मैंने करवा दिया, टू स्टेप अप्रोच, ठीक है जी, टू स्टेप अप्रोच। स्टेप वन में क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे, और इक्वेशन ओहो, इक्वेशन बनाते हुए क्या करना है जी, इक्वेशन बनाते हुए क्या करना है जी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जिसके साथ परसेंटेज लिंक्ड होगी उसे 100 अज्यूम करना है, ठीक है, और इक्वेशन को कंप्लीट कर लेना है, और फिर ये फॉर्मूला लगाकर आपने रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल देनी है, ठीक है। इसको बगैर इधर देखे सॉल्व करें जी, ये आसान तरीका ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऐसा तरीका है कि जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी हमें बचाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं तो इसी तरीके से कराऊंगा। ये इतनी लंबी कहानियां नहीं लिखनी हमने, हम इसको एक फटाफट ही किया करेंगे, जबानी जबानी ही कर लिया करेंगे, लेकिन ये अप्रोच इसी तरह से नोट करें और इन 6 सवालों पर इसी तरह से अप्लाई करें, ठीक है। सिचुएशंस ना, मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं, तो हम वो काम करेंगे जो हमें हर सिचुएशन में बचा जाए, तो इसलिए करें दोनों काम। शाबाश, बगैर इधर देखे क्वेश्चन नंबर वन, बगैर इधर देखे सॉल्यूशन को, बगैर देखे करें, और पहली बार पूरा नोट करें, फॉर्मूला भी पूरा लिखें पहली बार, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेल भी पूरा लिखें, जल्दी करें, शाबाश।
पेज 462 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर कोई और कहानी चल रही है भाई, वो पहले वाली रिवीजन है, वो हमने डिस्काउंट रिवाइज किया हुआ है ऊपर। और नीचे नहीं, उस किताब से देखें, नीचे वाली डिस्कशन भी डिफरेंट है, वो है हमारे रिवीजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, यहां पर मैं आपको मार्कअप मार्जिन थोड़ा सा कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। चलें जी देख लें फिर क्वेश्चन भी, अगर यहीं से देखना नजर आता है तो देख लें आप। मैं चाह रहा हूं सोल्यूशन सामने हो ना कि क्वेश्चन। आज फिर स्टेटमेंट इनिक्विटी के लिए आखिरी 10 मिनट ही बचे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है जो कर रहे हैं वो थोड़े भाग के चले जाने वहां से, लेकिन कल से थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। आज वाले सवाल में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हमने सीख ली। डन जी, जितना तुम लिख रहे हो इस तरह तो हो गया नोट। नौ लाख 60 हजार लिख लो। अच्छा जी, सेकंड होमवर्क में लिखें और थर्ड अभी मुझे कर दें, फिर मैं सॉल्व करता हूं। सेकंड के साथ लिखें होमवर्क, थर्ड को कर दें, थर्ड कर दें जल्दी से, थर्ड कर दें, मैं सॉल्व करके दूंगा थर्ड आपको। डन, कितने बचे? डन। अच्छा जी इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 3, सेल गिवन है, कॉस्ट रिक्वायर्ड है, ये थोड़ा चेंज था, दूसरा तो बिल्कुल सेम था ना, इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। अच्छा, गुड्स आर सोल्ड एट 10% मार्कअप, मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट, बस ये याद रखना है, दूसरा जो भी होगा फिर वो ऑन सेल होगा। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है तो मार्कअप मतलब 10% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है? कॉस्ट, कॉस्ट के साथ, प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है? कॉस्ट के साथ, मार्कअप ऑन कॉस्ट है। ठीक है, तो 100 किसको अज्यूम करना है? कॉस्ट को। प्रॉफिट कितना है? 10, तो बैलेंसिंग फिगर 110 सेल आ गई। अब सवाल को देखो, सवाल में गिवन क्या है? सेल, और रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट, तो ये ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट है कॉस्ट, गिवन है सेल, सेल कितनी गिवन है जी? 30,000, गलती हो गई ना तुमसे, 27,000, 30,000, अच्छा जो भी है, 30,000 सेल है, हमें चाहिए कॉस्ट, सेल है गिवन, तो सेल की परसेंटेज 110, रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट, कॉस्ट की परसेंटेज इक्वेशन में देखो 100, तो इनटू 100 कितने बच्चों का? बिल्कुल ठीक था, 5,000 का फर्क गलत है। आपने पता है क्या, आपने अन्यवाह किया सवाल। ठीक है, आपने फिर इधर सेल लिख दिया, आपने इसको कहा कि जी कॉस्ट है, सवाल तो पढ़ लो भाई, क्या गिवन है और क्या निकालना है। कभी सेल गिवन होगी कॉस्ट निकालनी पड़ सकती है, कभी कॉस्ट गिवन हो तो सेल निकालनी पड़ सकती है। ये क्वेश्चन 3 हो गया, चलें क्वेश्चन 4 आपको करवाता हूं, पढ़ें जरा उसमें फर्क क्या है। जी बच्चों अब आ जाएं जरा मिलके, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज जरा देखिए। अच्छा, गिवन कॉस्ट है, रिक्वायर्ड सेल है, लेकिन ये बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं सवाल में वो लिंक प्रॉफिट को किसके साथ कर रहा है। वो कह रहा है सेल्स वर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, या यूं भी लिखा हो सकता है कि
ग्रॉस प्रॉफिट इज मेड ऑन 20% ऑन सेल वैल्यू. ये डिफरेंट मैंने कहा पास पेपर्स की जो है ना ये अंग्रेजियां उठाई हुई हैं, मतलब आपको इनको पढ़ के पता लग जाता है कि प्रॉफिट किसके साथ लिंक किया गया, ठीक है. या देयर इज अ फिक्स्ड मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन, पिछली अंग्रेजियों को छोड़ो बस, ऑन सेल ऑन कॉस्ट, इसको गौर से देख लेना आपने, ठीक है. या लिखा हुआ है कि सेल्स आर अफेक्टेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, या गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्जिन का हमें कोई नहीं पता, हमें बस एक ही बात पता है मार्कअप ऑन कॉस्ट हो रहा है, तो उसके अलावा वाली चीज फिर ऑन सेल ही होगी, ठीक है. याद भी नहीं कर रहे हम मार्कअप ऑन कॉस्ट. अच्छा जी भाई, इस सवाल के अंदर प्रॉफिट की परसेंटेज किसके साथ लिंक्ड है, तो फिर 100 किसे अज्यूम करोगे, तो फिर बैलेंसिंग आ जाए, इधर नहीं आना, ठीक है. अब आपको सेल को अज्यूम करना पड़ेगा 100, ठीक है जी. प्रॉफिट कितना गिवन है सवाल में 20, तो बैलेंसिंग आज कॉस्ट निकलेगी और वो 80 है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा अगर मार्जिन यूज कर रहा हो, यानी प्रॉफिट को लिंक कर रहा हो सेल्स के साथ. आगे काम फिर वही है, ठीक है. आगे फॉर्मूला वही लगना है, ये फॉर्मूला इसीलिए लिखवा दिया कि ये हर सिचुएशन में चलेगा, बस ध्यान से दो तीन चीजें देख लेनी करनी है आपने, ठीक है जी. गिवन क्या है, गिवन क्या है कॉस्ट, गिवन क्या है कॉस्ट 400, रिक्वायर्ड क्या है सेल, ठीक है. तो गिवन है कॉस्ट, रिक्वायर्ड है सेल, तो सेल चाहिए, कॉस्ट गिवन है 400,000. अब इक्वेशन में देखो गिवन अमाउंट कॉस्ट है, उसकी परसेंटेज कितनी है डिवाइडेड बाय 80, ठीक है जी. और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है सेल, सेल की परसेंटेज इक्वेशन में कितनी है इनटू 100, तो आंसर आ गया 500,000, ठीक है जी. तो नंबर 5 और 6 भी होमवर्क में लिख लीजिए, ये हमारे मार्कअप मार्जिन का तरीका है, वारदात हुआ करेगा, ठीक है. आगे जाके ना मुश्किल सिचुएशंस भी आएंगी, एनपीओ के टॉपिक में जाके या कहीं पे जो है वो किसी ना किसी और टॉपिक में, वो इस तरह से भी कर दिया करेगा कि कुछ लोगों को सस्ती चीज बेच रहे हैं इतने मार्जिन पे, कुछ को इतने पे बेच रहे हैं. तो बहरहाल अप्रोच यही रखेंगे इंशाल्लाह, हर सिचुएशन में हमें ये हेल्प आउट करती चली जाएगी, ठीक है. वापस आते हैं जी अपने सवाल पे, हम यहां थे ये पॉइंट नंबर 5, गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 45. अब हमने एंट्री करनी है रिपेयर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन करनी कॉस्ट से, ठीक है. गिवन है सवाल में सेल, तो सबसे पहला काम क्या करोगे स्टेप वन में क्या करोगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, इक्वेशन बनाओगे, ठीक है. बस ऐसे लिखेंगे सी प्लस बी इज इक्वल टू एस जी, कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%, मार्कअप ऑफ 25%, मार्कअप मीन्स कॉस्ट, तो 100 को कॉस्ट को ले लोगे, प्रॉफिट है 25, तो सेल आ जाएगी बैलेंसिंग 125. डन जी, ये पर्चे के ऊपर ही लिख लिया करेंगे छोटा सा, ठीक है. सेकंड स्टेप में आपको चाहिए क्या, कॉस्ट बेटा, कॉस्ट. गिवन क्या है सेल, रिक्वायर्ड क्या है कॉस्ट, ठीक है. तो गिवन अमाउंट है 4500 सेल, गिवन अमाउंट की परसेंटेज है 125, इक्वेशन में देखो रिक्वायर्ड क्या है कॉस्ट, उसकी परसेंटेज है 100, तो आंसर आ गया 30. लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम हमने नहीं किया करना पर्चे में, ये सारा काम कर रहे हो, बल्कि हम तो अब ये सोचेंगे क्या होना चाहिए जी, रिपेयर डेबिट परचेजेस क्रेडिट. तो आए और ओरिजिनल एंट्री लिखी हमने, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट. अब क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है, हमने इसको कॉस्ट पे लाना है, तो हम लिख देंगे 4500, और सवाल के अंदर ही हमने लिखा हुआ है ये परसेंटेज. अब ये 45 जो है ये सेलिंग प्राइस है, तो डिवाइडेड बाय 125, और हमें चाहिए कॉस्ट, तो इनटू 100 कर दो, और प्रॉफिट चाहिए होता तो इनटू 25 कर देते, बहरहाल छोड़ो जी. 3600 से रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने निकाल देना. अब तुम तीनों में से दो को तो निकाल ही देना है, ठीक है. वो चुप कर गया, तुम लोग बोले जा रहे हो अभी भी, दोनों एनकम वाले जी. रिपेयर एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, नो एंट्री हैज बीन मेड. तो जो होना था, एरर ऑफ मिशन है, जो होना था वो नहीं हुआ, तो वो कर लीजिए रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, और अमाउंट आ गई 3600 की, ठीक है. अब इसका इंपैक्ट रिपेयर जीपी के बाद आता है और परचेजेस जीपी से ऊपर, एक्सपेंस बढ़ा 3600 से, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, कौन सा, नेट प्रॉफिट, क्योंकि रिपेयर ने जीपी के बाद आना है, तो हमने यहां पर लिखा लेस. एडजस्टमेंट नंबर 5 है, ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर, रिपेयर लिखना है तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, 3600 माइनस, ठीक हो गया जी. और दूसरा इंपैक्ट क्या है जी, परचेजेस क्रेडिट हो गई, यानी कम हो गई, परचेजेस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो जीपी
से ऊपर वाला ये आइटम है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में परचेज इज रिवर्स्ड लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो भी खैर है, 3600 पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, एडजस्टमेंट नंबर 5 है। कोई मसला, चलें आगे। अगली एडजस्टमेंट तो बहुत आसान है जी बच्चों। नंबर 6, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल अमाउंटिंग टू 42,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी बोले? ऑफिस कंप्यूटर है, सिर्फ कंप्यूटर है, चलो ऑफिस कंप्यूटर डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए था 42,000 से, लेकिन गलती से क्या कर गए, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट कर गए। पिछली क्लास में एक बच्चा बोला, सर अगर ये खामोश है तो हम पेबल ना ले रहे। भाई पेबल ले लो, दोनों तरफ पेबल आ जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। मसला तो है कंप्यूटर रिकॉर्ड होना था, वो नहीं हुआ तो करेंगे, परचेज गलत रिकॉर्ड ही तो उसको माइनस करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री में तो आना ही नहीं है। कैश लिखो या पेबल, तो कैश लिख लो, क्या मसला है जी। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना था, नहीं हुआ, ऑफिस कंप्यूटर सॉरी, तो डेबिट कर लें 42,000 से। परचेज कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करो, पेबल लिखो तो पेबल कर देते, दूसरा एंड सही है, ठीक है। परचेजेस गलत डेबिट हो गई है, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें जी। भाई पर्चे में ये आसान एडजस्टमेंट्स हैं, इनको भी डायरेक्ट सोचा जा सकता था। आप कहते परचेज गलत रिकॉर्ड हो गई है, सही करने के लिए क्या कर लो, इसे कम कर लो, डेबिट हो गई कम कर लो, क्रेडिट कर लो। एसेट ने तो आना नहीं है प्रॉफिट के इंपैक्ट में, तो एक्सपेंस कम हो रहा है, जीपी से ऊपर वाला एक्सपेंस कम हो तो जीपी को बढ़ा दो। तो डायरेक्ट कर सको तो करो, मैं तो इसलिए एंट्रीज करवा रहा हूं कि हो सकता है किसी सवाल में वो इंपैक्ट की जाए, एंट्रीज ही मांग ले तो पता तो हो, जरा प्रैक्टिस हो रही है, हर तरह का सवाल करना आ जाए। पर नए सवाल में मुश्किल एडजस्टमेंट हो तो आप करके देख लो, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। आसान एडजस्टमेंट तो जरूरत ही कोई नहीं, हर जबानी सोचो, प्रॉफिट में इंपैक्ट निकालो, चलो उसने कौन सा एंट्रीज मांगी हुई है आपसे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्रीज हो रही हैं, इनमें से एक एंट्री भी रिक्वायर्ड नहीं थी, जो रिक्वायर्ड है वो इस तरह चल रहा है। वर्किंग करें बिल्कुल, जो समझ ना है उसकी करें, जो समझ आ रहा है उसको मत करें, मैं ये कह रहा हूं, वक्त बचाएं अपना, ठीक है जी। ऑफिस कंप्यूटर बैलेंस शीट आइटम है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, परचेजेस 42,000 से हो रही हैं क्रेडिट, तो परचेजेस कम हो रही हैं, जीपी से ऊपर आती हैं, परचेजेस कम हो रही हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एडजस्टमेंट नंबर 6। और ये भी परचेजेस रिवर्स दी हैं, कितना जी, 42,000 पॉजिटिव, टोटल भी आपने करना है तो ये 42,000 लिखा हुआ है, 42,000 ओके अच्छा। लेकिन एक मसला और भी है, ये फिक्स्ड एसेट है, एसेट एसेट में मूवमेंट आ जाए तो डेप्रिसिएशन में भी मूवमेंट आ जाती है। जुगाड़ क्या बताया हुआ था, एसेट बढ़े तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना है, तो पहले रेक्टिफाइंग एंट्री में लिख लो, डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब देखते हैं सवाल में क्या कहता है, वो कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर इज प्रोवाइडेड एट 25%, स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे तो फिर तो सुकून हो गया, 42,000 को पकड़ेंगे और 25% ये आ जाएगी एक साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें गलती से ईयर एंड तक आना है, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक का इंपैक्ट लेना है, तो 1 अप्रैल को ये एरर हुआ है और ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो कितने मंथ्स बन रहे हैं, 9, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इंपैक्ट निकल आएगा, 9 by 12 7 7 5। घर पे कितने बच्चों ने ये बिल्कुल सही कर ली थी, बाकी ने ट्राई नहीं किया या गलत हो गई थी, कितने बच्चों ने सवाल को पूरा किया था ट्राई, नलतर कितने बच्चों ने ट्राई किया है? अभी नलतर आज होमवर्क में जाएगा, कल डिस्कशन शुरू होगी उसकी, ठीक है। मतलब होमवर्क में जब तक चीज होनी जानी डिस्कस, मेरी तरह से होमवर्क में ही रहनी है, रोज ट्राइयां करते रहो, रोज यही तो प्रैक्टिस है बेटा, इसी में तो आपने अपने आप को देखना है कि आप मुख्तलिफ, जब तक मैंने नहीं करवाना आप अपनी सोच से 3-4 तरह की चीजें कर लोगे, फिर समझाऊंगा आपको कि हाँ अच्छा ऐसे बात, ठीक है, कुछ आपकी सोच भी मिल जाएगी कभी तो आप उससे भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया है, बातें नहीं प्लीज, हाइब्रिड में बातें हो रही है मुझे लग रहा है, हो रही है नहीं हो रही है, अभी तो कल आया इसमें जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जीपी के बाद आया करता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो एडजस्टमेंट नंबर 6 का डेप्रिसिएशन इंपैक्ट आ गया 7875 माइनस देख लें जी। क्लियर है, चलें आगे, कोई क्वेश्चन? An item of furniture was sold ऐसे ना करो यार, तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे यार रास्ते में, मैंने नगे भी सोचा था यार। अच्छा कॉल आ गई, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कैश लिख रहा हूं जी। An item of furniture was sold on cash for 3,000
अगली बात भी फिलहाल मैंने छुपाई हुई है, जरा ओरिजिनल एंट्री तो कर लें। बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वॉज 5,000। हाँ भाई क्या करें, ओरिजिनल एंट्री में अक्यूमुलेटेड एब्शन कैसे निकालें भाई? नहीं निकल सकती, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम करते क्या थे, अक्यूमुलेटेड एब्शन को डेबिट करते थे, फिर कैश को डेबिट करते थे और एंट्री लिख लेते हैं ना, ठीक है। कैश को डेबिट करते थे, प्रॉफिट या लॉस आता था, और एसेट को कर देते थे, एसेट का नाम क्या, फर्नीचर, एसेट को क्रेडिट करते थे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। ठीक है जी। अब अगर एसेट की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, बुक वैल्यू अवेलेबल है और कोई डाटा ऐसा है भी नहीं कि हम अक्यूमुलेटेड एब्शन निकाल सकें, तो आप इसको जाने दो यार। बुक वैल्यू पे भी तो एसेट अकाउंट बनाना सिखाया था, उसमें जनरल एंट्री भी तो सिखाई थी। मैंने कहा था उल्टा एक स्टेप कम हो जाता है, आप एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट कर दो जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू से, अक्यूमुलेटेड एब्शन का वजूद ही कोई नहीं है, रहने दो उसको, और कैश रिकॉर्ड करो, गेन लॉस बैलेंसिंग निकल आएगा। तो बुक वैल्यू सवाल के अंदर कितनी गिवन है, 5,000, और ये बेचा कितने का है, 3,000 का। तो 5,000 वाली चीज 3,000 में बेची आपने, तो आपको लॉस आ गया कितना जी, 2,000 का। ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है जीपी के हमेशा बाद। फिक्स एसेट पर गेन हो चाहे लॉस हो, गेन हो तो अदर इनकम में जाएगा, लॉस हो तो अदर एक्सपेंस में जाएगा, ये जीपी से ऊपर कभी नहीं आता, ठीक है, सेल में या कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जा सकता। ओके, तो बहरहाल ये 2,000 का लॉस है। यहां तक कोई मसला, डेट ऑफ परचेज गिवन है, वैसे तो जरूरत नहीं है ना, जरूरत भी नहीं है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेना है, आप कॉस्ट को पूरा लेकर फिर उसको डेप्रिशिएट करके जो करना है करके आ जाएं, फिर भी क्या फायदा होना है, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर करना भी चाहें तो कर नहीं सकते, डेट ऑफ परचेज गिवन है, वहां से 100 ज़ूम करके लाना था ना, वो कहां से लाएं। फिर ये बुक वैल्यू डिस्पोजल किस दिन हो रहा है, बताया हुआ है तो किस दिन तक रोकेंगे उसको, तो जो मुमकिन है वो कर दिया। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात जो यहां पर लिखी हुई थी वो क्या थी, कि ये बेचा हमने उधार पे है, यानी कैश अभी आया नहीं है, आ जाएगा, ठीक है, इसलिए कैश डेबिट नहीं हुआ, रिसीवेबल डेबिट। तो असल एंट्री ये बनती थी, ऊपर तो कुछ है नहीं, एंट्री अगर आप देखें ओरिजिनल तो ये बनती है, रिसीवेबल डेबिट 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2,000 और फर्नीचर क्रेडिट 5,000, ये ओरिजिनल एंट्री है। यहां तक कोई मसला, ओरिजिनल एंट्री समझ आती है? लेकिन वो क्या कह रहा है, ये काम को नहीं किया उसने, ये एंट्री सेल डे बुक में कर दी, उसने ये एंट्री सेल डे बुक में कर दी, यानी उसने एंट्री कर दी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये वही गलती जो आपने पहले दिन की थी, मतलब मैंने आपको सिखाया था एग्जांपल्स में, जब करेक्शन ऑफ एरर कर रहे थे फिक्स एसेट की प्योरली, ठीक है, की थी ना, तो मैंने एग्जांपल्स दी थी, तो ये एक एग्जांपल आई थी कि सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो सेल प्रोसीड नहीं, रिसीवेबल है, लेकिन उसने एंट्री सेल्स में कर दी है, कोई बात नहीं जी, 3,000 रुपए से रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर गया, हम सही कर लेंगे जी, हम किस लिए, ठीक है। तो रिसीवेबल डेबिट होना था 3,000 से, हो गया, कुछ ना करें। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था 2,000 से, नहीं हुआ, करें, ये लॉस है, लॉस लिख रहा हूं ताकि आगे इंपैक्ट डालने में आसानी रहे। फिर फर्नीचर क्रेडिट होना था 5,000 से, नहीं हुआ, तो कर लीजिए। सेल्स गलत क्रेडिट हुई पड़ी है, सही करने के लिए डेबिट कर लीजिए। रेक्टिफाइंग एंट्रीज डन। अब इसका इंपैक्ट ले लेते हैं, दो इंपैक्ट जाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस जीपी के बाद का आइटम है, एक लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है, एक लॉस रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लेस, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, 7 पे पहुंच गए जी, लॉस रिकॉर्डेड, लॉस रिकॉर्डेड 2,000, जब लॉस रिकॉर्ड हुआ तो नेट प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल्स डेबिट, सेल्स क्या है, सेल्स क्या है, इनकम है, इनकम क्रेडिट हो तो बढ़ती है, इनकम डेबिट हो तो कम हो रही है, तो इनकम अगर कम है, ये है जीपी से ऊपर का आइटम, इनकम कम हो रही है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो लेस, एडजस्टमेंट नंबर 7, बस काफी है, लेकिन चलो सेल रिवर्स लिखना है तो लिख लो 3,000, देख लें जी इसको भी, दोनों डेबिट, इसका इंपैक्ट इधर आना होता है, लेकिन हम एक ही बार लेंगे, साथ साथ देखें ना, बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, जरूरत नहीं है, एंड पर एक ही दफा देखेंगे, नेट में जीपी सही होने के बाद बढ़ा तो नेट प्रॉफिट को भी उतना ही बढ़ा देंगे, कम हुआ तो उतना ही कम कर देंगे, एंड पे चलें आगे। आसान आसान एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, ये देखो दो आसान एडजस्टमेंट्स हैं, नंबर 9 पहले कर लेते हैं, वैसे तो 8 भी बहुत आसान है, लेकिन चलो 9 उससे भी आसान है। 9 क्या है, ओनर है, ये वो बेसिक वाली एंट्री, ओनर हैज विद ड्रॉन
गुड्स कॉस्टिंग, शुक्र है कॉस्टिंग, अगर यहां सेल वैल्यू थी तो यहां भी कॉस्ट निकालते, क्योंकि खुद को ओनर चीजें घर लेके जा रहा है उसको प्रॉफिट भी नहीं बेचनी, ठीक है, बहरहाल गिवन ही कॉस्ट, ठीक है। तो ओनर हैड विदड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 4680 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स डेबिट, अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम है इसलिए पर, तो एंट्री बनी ड्रॉइंग्स डेबिट, ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है जी, ड्रॉइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट 4680 से। लेकिन वो भाई साहब कह रहे हैं क्या किया जी इन्होंने, इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ ना करें तो ज्यादा अच्छा होता है, कुछ करते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहरहाल नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, तो जो होना था वो नहीं हुआ। तो आप कर लें, आप किस मर्ज की दवा है, आप किस डिजीज की मेडिसिन है, ड्रॉइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट 4680। लो भाई इंपैक्ट ले लो भाई, इंपैक्ट वाले भी, इंपैक्ट वाले भी, इंपैक्ट वाले भाई, परचेजेस को कर दो क्रेडिट, परचेजेस जीपी से ऊपर का आइटम है, परचेजेस क्रेडिट मतलब कम हो रही हैं, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, एडजस्टमेंट नंबर 9 है। अच्छा जी, परचेजेस रिवर्स्ड ना भी लिखो अंग्रेजी तो खैर, कितना जी 4680 से पॉजिटिव, ठीक है ओके। अब रह गई एक चीज और वो है परचेज रिटर्न, गलती से सेल रिटर्न बना गए। देखो एंटी में करवा देता हूं लेकिन जरूरत नहीं है, पहले डायरेक्ट करना सिखाता हूं, प्रॉफिट पे जो इंपैक्ट लेना है ठीक है, तो जरा डायरेक्ट भी सोच लें, ठीक है। तो पहले आप डायरेक्ट सोचें फिर मैं पानी पी के बताता हूं। अच्छा जी पहले पढ़ तो लें, मैं बहुत भाग पढ़ूं। परचेज रिटर्न थी, गलती से सेल रिटर्न बन गई, परचेज रिटर्न थी। यहां पे ना मैं इस डिबेट के अंदर आपको डायरेक्ट सोचना सिखाऊंगा, एंट्रीज भी कर लेते हैं। परचेज रिटर्न थी, गलती से सेल रिटर्न बन गई। अब अगर इसको सही करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे शायद टेक्निकल एडजस्टमेंट यही थी, बाकी सवाल के अंदर एक आध बात जो कर ली है वो इजी है, वो समझ आ गई, अब आइंदा नहीं मार पड़ेगी, ये टेक्निकल बात थी थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी नहीं, इसका भी एक जुगाड़ है, जब वो लगा लेंगे तो इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा परचेज रिटर्न थी, गलती से अमाउंट कितनी है 6700। अच्छा परचेज रिटर्न थी, गलती से सेल रिटर्न बना गए। अब अगर हमने करेक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बढ़ाएंगे, बोलो परचेज रिटर्न बढ़ाएंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, सेल रिटर्न को कम करेंगे। यही करेक्शन है ना हमारी, ये हमारी करेक्शन है। अब अगर किसी ने प्रॉफिट पर डायरेक्ट इंपैक्ट सोचने की कोशिश की ना तो वो मुंह के बल गिर जाएगा, ठीक है, सोच लें शायद बच्चे, लेकिन टाइम लगेगा, दिमाग पे बोझ भी पड़ेगा, पर्चे का प्रेशर भी होता है। तो इसका एक आसान हल ये है कि आप दरमियान में परचेज को ऐड कर लो, ठीक है, परचेज को दरमियान में सोच लो, और सेल रिटर्न के लिए सेल को दरमियान में सोच लो, ठीक है, इससे आपका प्रॉफिट पर इंपैक्ट सोचना आसान हो जाएगा। जैसे परचेज रिटर्न का बढ़ना, परचेज रिटर्न इज कॉन्ट्रा परचेज एंड सेल रिटर्न इज कॉन्ट्रा सेल, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेजेस की कमी है, और परचेजेस यानी एक्सपेंस की कमी से प्रॉफिट। अब इतनी जल्दी ये सोचा नहीं जा सकता परचेज रिटर्न से, आप परेशान ही होंगे, सोचें घर जाके सोचिएगा, मैंने यहां नहीं सोचने देना, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। तो परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेज पे सोच लो इंपैक्ट, परचेज रिटर्न के बढ़ने से परचेज कम, परचेज रिटर्न कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सेल रिटर्न का कम होना सेल का इंक्रीज है, और सेल इज एन इनकम, इनकम बढ़े तो प्रॉफिट भी बढ़ जा, यानी कि इस गलती को सही करने से प्रॉफिट पे डबल इंपैक्ट पड़ना था पॉजिटिव। क्यों, एक नफे की थी, गलती से नुकसान की चीज रिकॉर्ड कर गए, तो एक तो हमें वो नफे की चीज रिकॉर्ड करने से 6700 पॉजिटिव मिलना प्रॉफिट में, और दूसरा जो नुकसान की चीज गलत रिकॉर्ड की, जब उसे रिवर्स करेंगे तो वो भी पॉजिटिव मिल जाना था। बहरहाल ऐसे क्यों सोचे, समझ आ गई हमें, 6700 से दो बार प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना, सेल रिटर्न हो चाहे परचेज रिटर्न हो, जीपी से ऊपर का सामान है ये, ठीक है, तो जीपी ने बढ़ जाना है, ऐड और एडजस्टमेंट नंबर 8 है। अब अंग्रेजी तो ये बनती है, परचेज रिटर्न रॉन्गली रिकॉर्डेड एज, या यूं कर लो परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड इंस्टेड ऑफ सेल, जो भी है, मैं दिल भी नहीं कर रहा अंग्रेजी लिखने का, मैं असल में ये लिखना चाह रहा था, ये 6700 इंटू 2 कितना बनता है 13000
400 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये समझ लो। अच्छा ये देखो काम हो गया, अभी आप कहोगे नहीं हमें तो एंट्री नहीं हो, हमें मतलब नहीं आया से तो नहीं ना, एंट्री कर देना, कर दो यार एंट्री, होना चाहिए था परचेज रिटर्न डेबिट, नहीं सॉरी, होना चाहिए था क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, कितने से जी 6700 से जी, हैं कैश कर लो, कैश कर लो, कोई मसला नहीं है, कैश कर लो, ठीक है, दूसरी तरफ फिर कैश कर लेना, ठीक है। हाँ जी, क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, गलती से कर गए से रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, दूसरे इंपैक्ट के बारे में खामोश हो, सही अज्यूम करते हैं, ये कंपनसेटिंग एरर था जी, ठीक है। अगर आपने उधर कैश लिखा फिर इधर भी कैश लिख लेना, फर्क कोई नहीं पड़ना, ठीक है। मसला तो ये है क्योंकि बैलेंस शीट बना नहीं रहे जी, क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें 6700, और ये सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट गलत हुआ है, सही करने के लिए रिवर्स कर लें, तो डेटर डेबिट सेल रिटर्न क्रेडिट 6700 से। अब डेटर क्रेडिटर को दबा करो, वो तो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, आप इधर देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है, परचेज रिटर्न की नेचर ही क्रेडिट है, मतलब बढ़ रही है, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ा देता है, और सेल रिटर्न नुकसान की चीज है, सेल रिटर्न बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, तो नुकसान की चीज के कम होने का इंपैक्ट भी प्रॉफिट को बढ़ाएगा। देखो कितना मुश्किल में पड़ गए, कितनी आसानी से सारी बात समझा के आए, बहरहाल एंट्रीज इसलिए कर दी कि आपकी ये चाहत हो सकती थी कि ये जी एंट्रीज भी हमें सिखाएं, ठीक है जी। तो ये सवाल होता है पूरा, जरा एक मिनट ना मुझे टोटल करवा दें इसका, टोटल बताएं, बुक वाला टोटल ना करवाना, हमने कुछ ट्रीटमेंट्स चेंज किए हैं, जैसे वो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को हमने अब सेल में कर दिया है, तो बुक में पुराना सोल्यूशन होगा, इसलिए बुक का सोल्यूशन नहीं, मुझे टोटल बताओ। हाँ एंड पे सोल्यूशन सेम होगा, एंड रिजल्ट जो होगा ना वो इंशाल्लाह सेम होगा, उससे परेशान नहीं होना। जीपी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने एक चीज जो पहले किसी जमाने में नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट डालती थी, हमने उसको ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट डलवा दिया, तो ये फिगर थोड़ी चेंज हो सकती है नेट में, क्योंकि उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली पहुंच ही जाना है, नेट में आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा जी। बोले 888930, ये क्या है जी, एडजस्टेड जीपी, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट की सारी गलतियां सही कर लें तो इतना बन जाता है, ठीक है, लेकिन एडजस्टेड नेट प्रॉफिट अभी मत निकालो, क्यों, क्योंकि जीपी की हर इंपैक्ट ने नेट प्रॉफिट को हिट करना था, हमने नहीं कराया, जैसे जैसे जीपी 3700 से बढ़ा ये नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाता, क्यों, इधर देखो ना, इधर मिसाल के तौर पर आपने एक सेल ज्यादा रिकॉर्ड की 15 रुपए से, जिससे आपका जीपी 15 से बढ़ जाएगा, तो फिर नेट प्रॉफिट भी तो 15 से बढ़ना चाहिए, क्या ख्याल है, तो जीपी का जो भी इंपैक्ट होता है वो नेट प्रॉफिट को भी हिट करता है ना भाई। देखो हमारे सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट 460 है, हमारे सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट 460 है, ठीक है, आपने यहां पर 15 ऐड किया, जीपी में 15 ऐड होने से ऑटोमेटिकली ये 460 नहीं हिल रहा, ये 15 जो ऐड हुआ है ये 460 में भी आके आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि 460 से हमने एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट की शुरू की हुई है, 460 तो पुराने वाला निकला हुआ है, अगर आपने कोई करेक्शन किया जैसे जीपी बढ़ा है तो उससे नेट प्रॉफिट भी तो उतना ही बढ़ना चाहिए, वो एडजस्टमेंट किया जैसे जीपी कम हुआ है तो उतनी अमाउंट से नेट प्रॉफिट भी कम होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि 460 से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये बात समझे हो, तो हर इंपैक्ट ने जीपी के हर इंपैक्ट ने नेट प्रॉफिट पे आना था, ठीक है, पर हमने साथ साथ इसको किया नहीं था, जितनी दफा जीपी बढ़ा था नेट प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए था, जितनी दफा जीपी कम हुआ था वो तो फिर इतनी लंबी लिस्ट लग जाती, टाइम भी कंफ्यूजन भी होता, टाइम भी बहुत लगता, लेकिन अब एक काम तो करना पड़ेगा, नेट में देखो कि नेट में ग्रॉस प्रॉफिट सही होने के बाद बढ़ा है तो फिर आप नेट प्रॉफिट को उतनी अमाउंट से बढ़ा लें, और अगर कम हुआ है तो उतनी अमाउंट से कम कर लें, एक ही बार इंपैक्ट डाल दें। तो जी 850 से आप करेक्शन के बाद जीपी को कहां ले गए हो, 888930 पे, तो आपका जीपी 38930 से बढ़ गया नेट में, तो ये जो जीपी बढ़ा है इतनी ही अमाउंट से नेट प्रॉफिट को भी बढ़ना चाहिए, 38930 से पॉजिटिव, और यहां पे आपने क्या लिख दिया जी, एड ग्रॉस प्रॉफिट इंपैक्ट या एडजस्टमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ऐसे नहीं लाइनें लगा के करते रहना, आप तो यहां पर ब्रैकेट में कर देंगे, 888930 पे जीपी पहुंच गया है जो कि पहले था 850,000 पे, तो 38930 से जो जीपी बढ़ा है उतनी अमाउंट से नेट प्रॉफिट को भी बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अब बताओ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 487455, अब बुक में जाकर सोल्यूशन देखो, लेकिन सिर्फ नेट प्रॉफिट वाला देखना, ग्रॉस प्रॉफिट वाला ना देखना, नेट प्रॉफिट वाला इंशाल्लाह सेम होगा।
ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए सेम नहीं है बेटा क्योंकि वो पुराने ट्रीटमेंट के हिसाब से वो जो सेटलमेंट डिस्काउंट था ना कैश डिस्काउंट वो जीपी के बाद आया करता था, अब हमने उसको भी जीपी से ऊपर हम ले गए हैं ना, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा मसला आपको आ रहा है जी। मैं कर देता हूं जरा ये एक मिनट देख लें सारे बच्चे, ये सोल्यूशन तो पहले तस्वीर बनाए ना अलहदा, फिर एक ही तस्वीर कोशिश कर लेना बनाने की, ये सोल्यूशन की एक पिक्चर ले लें। उसने सवाल में ये रिक्वायर किया था कैलकुलेट एडजस्टेड जीपी और एडजस्टेड एनपी, कर दिया हमने एडजस्ट, ठीक है। ये मैंने सोचा था 15 मिनट में सवाल होगा, पिछली क्लास में घंटा लग गया था, आपकी क्लास में लग ही गया, खैर ओके। अब किसी ने फुल पिक्टूरे लेनी है तो अब ये तो बहुत ही कोई माइक्रोस्कोपिक हो जाएगी। अब जो पीछे बच्चे बैठे उनको नजर नहीं आ रहा, उनके लिए मैं और हल निकाल रहा हूं, ये खींच लेना ये वाले अच्छे कैमरों वाले। अच्छा जी चलें, बस अब नलतर वाला आपने ट्राई करके आना है, कल इंशाल्लाह उस पर काम शुरू कर देंगे, परसों तक उसे खत्म भी कर लेंगे क्योंकि कल से मैंने 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने नलतर वाले सवाल पे। बस ये ध्यान रखना जो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी सिखाई है ना वो यहां से सीख लो, टेस्ट वाले सवाल में भी कर लेना प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट सही कर। एक ही क्वेश्चन है जी, रेक्टिफिकेशन का है सिर्फ। अच्छा जी सुने, ये जरा जिन बच्चों को सही नजर ना आए वो इतनी तस्वीर पहले बना लें, दो हिस्सों में तस्वीर बना लेना, अब तो आगे तो मैं आ गया हूं। वैसे मैं सामने नहीं आ रहा हूं, पता है स्मार्ट सा तुम्हें। घर जाके कर भी लिया करो नोट, है ना, मोबाइल जाए तो सारा FIR बन भी जाए। किसी ने कहा था एक मिनट, ये उसके लिए दोबारा वापस। अच्छा जी चलें जी, आप वापस चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पे, आखिरी 10-15 मिनट अब उस पर बात करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह फुल फ्लैश सवाल करेंगे। वैसे मैं घर से तो ये सोच के आया था कि 15-20 मिनट में प्लीज टाइमती वाला सवाल उड़ा देंगे, फिर मैं स्टेटमेंट इक्विटी में डिविडेंड की बात कर लूंगा और पहली स्टेटमेंट इक्विटी शायद बना दूं, या शायद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट लॉन्ग अवेटेड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट देना है वो मैंने आज देना था, प्लान ये करके आया था। लेकिन एज यूजुअल ये अब कल पे बात चली गई है, कोई मसला नहीं, कल इंशाल्लाह फुल फ्लाई सवाल भी करेंगे, OCA के कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आज जितनी बात हो सकती है वो करते हैं। ये सारी जगहों से आप गुजरे हुए हैं, देखें सुभान अल्लाह, बड़ी मेहनतें की हुई हैं आप लोगों ने, ऐसे नहीं, अपने आप को इजी ही लेना आपने, ऐसे ही मेरे दिल में आई ये बात, आपको याद भी है कि नहीं, रिवैल्यूएशन का पहला लेक्चर था जब मैंने आपको शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट दिया था, और मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल के केस में जिसे कैपिटल, यार तुम लोगों को क्या करूं मैं, यार देख लो सारे डिस्टर्ब हैं इस वक्त तुमसे, मेरे अलावा भी, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो यार जी। मैंने आपको ये कहा था कि इंडिविजुअल के केस में जो कैपिटल होता था, कंपनी के केस में हम उसी को शेयर कैपिटल कह देते हैं, उसमें घर से आने वाले पैसे रखे जाते हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स को बांटा जाता है, जैसे पहले ओनर ड्राइंग करते थे कंपनी केस में, यही प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कहलाती है। तो ड्राइंग्स लिखा हुआ था मैंने उस दिन, और मैंने कहा था इसको रिप्लेस कर देंगे डिविडेंड से किसी दिन जाकर, तो वो दिन आज का है। कंपनी के केस में ड्राइंग्स नहीं डिविडेंड होता है, ठीक है, ठीक है। उस सवाल के अंदर हमारा डिविडेंड था कोई नहीं, लेकिन वैसे मैंने ये बताया कि अगर डिविडेंड बांटा जाए तो वो अर्निंग्स को कम करेगा, क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है ना, जब प्रॉफिट्स आते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाती है, रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट है ना, जब प्रॉफिट्स आते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाती है, और जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी, जाहिर है प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे,
जो रिटेन्ड पड़े थे, ठीक है ना। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था, वैसे ही जरा दिल किया कि आपको ये दिखा दूं। अच्छा ये हम लोगों ने किया था, ये आप लोगों ने नोट भी किया होगा, परेशान ना हो आप, जब रिवैल्यूएशन का पहला लेक्चर ओपन करेंगे ना तो ये इंशाल्लाह नोटेड होगा वहां पे, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा वक्त जरूरत सनद रहे और काम है। कल से इंशाल्लाह सवाल में उधर करना शुरू कर दूंगा, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट फिर भी मैं आपको यहीं पर नोट करके दिखाऊंगा ताकि कल को आप मुकर ना सके। अभी मैं ये ना दिखाता इस तरह से, तो बच्चों ने कहा था नहीं सर याद नहीं आ रहा, पता नहीं किया नहीं किया, ये बात हुई है नहीं हुई है पता नहीं। ये जी कल हम बात कर रहे थे, ये भाईजन जो थे, हमने कहा था जी अगर नॉर्मल केस में 10 रुपए फेस वैल्यू पाकिस्तान में होती है, एक शेयर के मुंह के ऊपर 10 रुपए लिखे होते हैं, फेस वैल्यू मुंह के ऊपर लिखी हुई वैल्यू पाकिस्तान में एक शेयर के ऊपर 10 रुपए लिखा होता है, तो अगर कोई 50 रुपए घर से लाए तो कंपनी उसे 5 सर्टिफिकेट पकड़ा देती है 10-10 वाले, और कोई 30 लाए तो उसे 3, कोई 20 लाए तो उसे 10, और ये नॉर्मल केस है इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल में एट पार, एट फेस वैल्यू भी कहते हैं, एट पार वैल्यू भी कहते हैं इश्यूएंस, ठीक है। इसमें क्या था, कंपनी ने 50 शेयर इश्यू किए थे 10 रुपए के हिसाब से, कल ये एंड में बात हुई ना, मैंने कहा पहले अब इसको करते हैं फिर अगली बात, ठीक है। 50 शेयर इश्यू किए थे कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर के, फेस वैल्यू भी 10 रुपए थी, तो सिंपल एंट्री कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। उसूल क्या जहन में हमने बनाया था कल कि शेयर कैपिटल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से, न एक रुपया कम न एक रुपया भी ज्यादा, शेयर कैपिटल के अकाउंट में हमेशा क्या जाता है शेयर की फेस वैल्यू। फिर एक तगड़ी कंपनी उठी और उसने उठकर कहा हम तो 10 वाला शेयर 15 में बेचेंगे, 20-25-30 का भी बेच सकते हैं भाई, तो तगड़े हैं तो ये काम कर रहे हैं और लोग खरीदते भी हैं उनकी 10 वाली चीज 20-25 में आके, उन्हें पता है कि यही चीज कल को 50-60-70 की बेच देंगे हम, या रखेंगे भी सही, तो इस कंपनी ने जो ग्रो करना है अच्छे डिविडेंड्स देंगे, हमारी बस हमारी इन्वेस्टमेंट की होती है ना, शेयर होल्डर मालिक होते हैं, तो मालिक जो है वो शेयर कंपनी ग्रो करती है तो वो भी ग्रो कर रहा साथ साथ, तो मजबूत कंपनी शेयर महंगे बेचती है लोग खरीदते हैं। एक स्ट्रांग कंपनी ने कल 70 शेयर इशू किए, ठीक है छोटी फिगर्स रखी थी ताकि जरा यहां काबू आ जाए, ठीक है ना, 70 मिलियन में शेयर इशू करते हैं, नंबर ऑफ शेयर काफी काफी होते हैं, लेकिन हमने तो एंट्री समझनी है, ठीक है छोड़ दे मोबाइल में, छोड़ दे तेरी मेहरबानी जी। अ स्ट्रांग कंपनी इशूड 70 शेयर एट 15 पर शेयर, फेस वैल्यू 10 थी, तो मैंने कहा कैश तो 70 शेयर इंटू 15 करोगे, लेकिन शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू के अलावा कुछ नहीं जाना, अब अगर उससे ऊपर कुछ है तो शेयर प्रीमियम का अकाउंट बना लो, हमारी एंट्री बन गई थी फिर कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और दोनों कंपनी में फर्क देखो, उस कंपनी में ही प्रीमियम था, ये कंपनी के बैलेंस शीट में प्रीमियम फेस पे नजर आ रहा है इक्विटी में, जो बता रहा है इस कंपनी की स्ट्रेंथ को कि ये तगड़ी कंपनी थी, इसने कभी 10 वाली चीज महंगी बेची थी और लोगों ने खरीदी थी, ठीक है। और फिर कोई बेचारी कमजोर कंपनी भी होती है, ठीक है, उसने 10 वाली चीज बेचने का इरादा किया, 10 देने को कोई तैयार ही नहीं, लोगों ने कहा भाई 8 रुपए में 10 वाली चीज दो तो हम लेते हैं, काम उन्होंने भी शुरू करना ही था, उन्होंने कहा चलो यार पैसे लें अल्लाह खैर करेगा काम चल जाएगा, पैसे तो चाहिए जनरल पब्लिक से, ठीक है कैपिटल रेज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वीक कंपनी इशूड, वीक नहीं लिखा होता वैसे ही, मैं बस वो लिखा होगा सवाल के अंदर कि 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की और 8 रुपए का इशू हुआ, तो आपको लग जाएगा कि वीक कंपनी है, ठीक है 10 वाली चीज 8 में इशू कर रही है, तो वीक कंपनी इशूड 30 शेयर एट 8 पर शेयर फेस वैल्यू इज 10, तो एंट्री क्या बनी कैश 8 रुपए आया हर शेयर के बदले, शेयर कैपिटल में फिर भी 10 ही जाना है, तो बाकी क्या है शेयर डिस्काउंट, ठीक है। और ये भी फेस पर बैलेंस शीट के फेस पर नेगेटिव साइन से शो होता रहेगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाना आपने, इसको इक्विटी में ही शो करना है, शेयर प्रीमियम को गेन में क्यों नहीं लेकर गए, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है, तो ये भी हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, हमारा नुकसान है इक्विटी की इश्यूएंस पर, ये खर्चे होते हैं ना, खर्चा तो खैर नहीं है इक्विटी की इश्यूएंस पर हमें ये नुकसान हुआ है, ये कोई ऑपरेशंस का नुकसान तो नहीं है, तो सूरी तौर पर इक्विटी की हम आगे जाकर पढ़ेंगे, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स पर अगर कोई कॉस्ट भी पड़े ना उसे भी प्रॉफिट लॉस में लेकर नहीं जाते, हम कहते हैं उसे भी इक्विटी में चार्ज कर दो रिटेंड अर्निंग्स को, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इश्यूएंस ऑफ इक्विटी है तो इक्विटी में उसके एक्सपेंस को भी वहीं पे शो कर दो, एंट्री सिखाऊंगा वैसे ही एक्सपेंस डेबिट कैश, फिर नहीं नहीं एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस ना ले जाओ बता रहा हूं, ठीक है इसको इक्विटी में चार्ज करो, ठीक है इक्विटी की इश्यूएंस, तो ये इक्विटी की इश्यूएंस के ऊपर नुकसान है, फेस के ऊपर दिखाओ, ठीक है ओके। अच्छा ये इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल जिंदगी में पहली बार कंपनी जब वजूद में आ रही है तब भी एंट्रीज करे, जब भी शेयर इशू करेगी तो यही एंट्री करनी है, चाहे वो जिंदगी में पहली बार कर रही है दूसरी बार तीसरी बार दसवीं बार, कंपनीज अपने वजूद में आने के बाद भी कई बार शेयर इशू करके शेयर कैपिटल रेज करती रहती है, तो जब कभी भी शेयर इशू होंगे कंपनीज के ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, चौथी तो नहीं हो सकती, ठीक है 10 वाली चीज 10 में बेचेंगे या महंगी बेचेंगे या सस्ती बेचेंगे, ठीक है। तो ये है इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल। फिर जी अगली बात है डिविडेंड की, ठीक है डिविडेंड एंट्रीज बनाते हैं पहले, ये भाई मिटाई नहीं मेरी टीए ने एंट्रीज, ठीक है कोई बात नहीं मैं मिटा देता हूं, मैं हूं ना मैं किस मर्ज की दवा हूं,
अच्छा जी, डिविडेंड की हमने दो क्लासिफिकेशंस पढ़नी है जी, एक डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू नेचर, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू नेचर पहले करते हैं, और मैंने पिछली क्लास में बच्चों को यही बताया था कि ये बच्चों डिविडेंड की एंट्री ना आपको आती है सचमुच, ठीक है, ये सिर्फ आपको चाका ही है, ठीक है। मुझे बताओ कि ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बचपन में आप करते थे, इसकी एंट्री क्या एंट्री सीखी थी आपने? ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई तुम, इस मौके पे आके क्यों ऐसे करते हो? अच्छा जी, ड्राइंग्स डेबिट कैश ये एंट्री सीखी हुई है आपने। अच्छा, अब देखें, पहली बात मैंने आपको ये सिखाई थी कि कंपनी के केस में हम ड्राइंग्स की बजाय लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिविडेंड, ड्राइंग्स की बजाय डिविडेंड, ठीक है। तो एक तो ये ड्राइंग्स लफ्ज नजर नहीं आया करेगा आपको कंपनी की अकाउंटिंग में, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वो ओनर घर पैसे लेके जाता था ना, तो वो भी प्रॉफिट्स में से लेके जाता है, असल कैपिटल निकालने लग जाओ तो फिर तो बिजनेस बंद करने की जरूरत जा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट ही निकाल के ले जा रहा था ओनर, जो ड्राइंग्स कर रहा होता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो बहरहाल ड्राइंग्स की बजाय कितने गया, ड्राइंग्स की बजाय बहुत ही पीछे चले गए यार। या ओके, तो ये नहीं आज पढ़न, ड्राइंग्स की बजाय क्या लाभ नजर आया करेगा जी? डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई, एंट्री आपको आती है, हम डिराइव कर रहे हैं, एंट्री की डेरिवेशन देखा करो। तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट पता था आपको, मैंने कहा ड्राइंग्स नहीं डिविडेंड कर दो, कोई मसला, कंपनी केस में हम डिविडेंड कहते हैं, तो डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन इससे अगला मसला ये होता है कि कंपनी के केस में हंड्रेड्स ऑफ ओनर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे आ जाओ भाई ले जाओ, तो सारे के सारे आके आज ही ले जाएंगे, कोई महीने बाद आ रहा है, कोई 10 दिन बाद आ रहा है, कोई 6 महीने बाद आ रहा है, कुछ बाद करने पड़ते हैं, उनके पैसे अमानत होते हैं। तो जिस दिन डिविडेंड अनाउंस किया जाता है सारे का सारा कैश क्रेडिट नहीं हो सकता, तो अनाउंसमेंट के दिन फिर हम एंट्री करते होते हैं डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। क्या एंट्री करते हैं जी? डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और फिर जैसे जैसे ये लोग आते जाते हैं अपने पैसे लेकर जाते जाते हैं, तो फिर हम एंट्री करते जाते हैं डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट पेएबल डेबिट कैश, जैसे जैसे आता जाएगा जो बंदा उसको पैसे देते जाएंगे तो फिर लाइबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारी कैश डिविडेंड की एंट्री, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक हो गया। लेकिन मसला ये है कि डिविडेंड को कहां डेबिट करें, ये एक अलग मसला है, डिविडेंड को कहां डेबिट करें। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के, वो इतने दूर से आपको पुरानी चीज क्यों दिखा के लाया था कि अगर प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी डिविडेंड आप दें तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करता है। अभी देखकर आए थे रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर की कौन सी साइड पे डिविडेंड पड़ा, डेबिट साइड पे, यानी अगर डिविडेंड आप देंगे बांटेंगे तो अर्निंग्स को कम करेगा, अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट होती है, तो आप डेबिट करोगे रिटेन्ड अर्निंग्स को, ठीक है। डिविडेंड एंट्री यही बोला करनी है भी यही एंट्री, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, लेकिन डिविडेंड को डेबिट करें कहां, रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट कर दें। असल में ना हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर जो है ना ये कॉलमनर फॉर्म में आएगा स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो प्रॉफिट जब आएगा तो उसमें प्लस होगा, डिविडेंड माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये डेबिट, ओके, तो डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कैश डिविडेंड की एंट्री है, डिविडेंड को कहां डेबिट करना है जाग जा भाई, अहम बात है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ओनर आते हैं पैसे मांगने या डिविडेंड दे दो, और शेयर होल्डर्स जब आ जाते हैं तो डायरेक्टर्स को अब समझ नहीं आती, इतना राशि लगा दिया है, तो डायरेक्टर्स कहते हैं कि यार अभी फिलहाल हमारे पास ना इतना नहीं है, तो आप ऐसा करो कुछ शेयर्स ले जाओ बगैर पैसे दिए, मुफ्त में शेयर्स बांट देते हैं। क्या करते हैं जी? मुफ्त में शेयर्स बांट देते हैं, तो इसको कहा जाता है बोनस डिविडेंड, इसको बोनस शेयर्स भी कहा जाता है, बोनस डिविडेंड भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये याद रखना, डिविडेंड्स का बटना ये हमेशा डेबिट डिविडेंड ही होगा, और ये डेबिट कहां होगा, ये डेबिट हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स में ही होगा, भाई डिविडेंड बंट रहा है ना, ठीक है, तो डिविडेंड का बटना अर्निंग्स को कम करता है तो डिविडेंड ही, ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होनी ही होनी है। लेकिन कैश क्रेडिट नहीं हो रहा, बल्कि इन्होंने प्रिंटिंग मशीन ऑन किया और शेयर छप 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 के बाहर जा रहे हैं, मुफ्त में शेयर बांट रहे हैं, करेंसी नोट नहीं छाप सकते ना, ठीक है, और ये रुको यार हम करेंसी नोट छाप के तुम्हें अभी देते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट तो ही कर रहे हैं, मुफ्त में शेयर बांट रहे हैं, शेयर तो हमने इशू करने हैं ना, तो अपनी प्रिंटिंग मशीन ऑन की शेयर इशू करना शुरू कर देते हैं, तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, जब नए शेयर इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, तो कैश नहीं पे हुआ शेयर्स दे दिए, ये नए शेयर्स इशू किए जाते हैं मुफ्त में जो बांटे जा रहे हैं, तो प्रिंटिंग मशीन ऑन की जाती है और शेयर्स मुफ्त में बांट दिए जाते हैं, कैश इनके अगेंस्ट नहीं आया,
तो फिर अर्निंग्स को डेबिट, जो प्रॉफिट पड़े थे उन्हीं को हमने काम कर लिया और क्रेडिट किसको कर दिया, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये है जनाब बोनस डिविडेंड की एंट्री। पर जिंदगी भर याद रखना इसको आपने हमेशा करना होता है विद फेस वैल्यू। ये एंट्री हमेशा किससे पास होगी, इसको प्रीमियम श्रीमियम पे नहीं इशू करते रहना, ये विद। अच्छा, अकाउंटेंट्स की ना बड़ी फनकारी है ये। वैसे एक बात आपको बताऊं, रिटेन्ड अर्निंग्स ऐसे रिजर्व्स हैं कि वो कभी भी बांटे जा सकते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन शेयर कैपिटल ऐसा पैसा है जो कंपनी के मौत वाकया होने पर ही वापस मिलता है। तो इन्होंने ड्रामा क्या किया, देखो इन्होंने अर्निंग्स को डेबिट किया, काम किया, और शेयर कैपिटल उनको शेयर वो घर लेके गया वो जनाब। तो घर जाके घरवाली को कह रहा है कि ये, वो कह रही आटा नहीं लाऊंगी, शेयर ही है, यही चढ़ा दो, ठीक है, मुफ्त में शेयर, कैश मिला नहीं। दूसरी फनकारी उन्होंने क्या लगा ली, डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉफिट को कम करके उन्होंने पक्का पक्का परमानेंट कैपिटल बना लिया। तो बड़ी इन्होंने ज्यादा की, बहरहाल विद फेस वैल्यू लोग ले लेते हैं ये शेयर्स के, चलो कल को ये शेयर्स बाहर बेच देंगे, अगर ये शेयर्स पैसे खुद नहीं दे रहे, मार्केट में बेच देंगे, पैसे चाहिए तो रख लेंगे, कल को डिविडेंड मिलेगा तो इन पे भी मिलेगा, सब जागते रहे, ठीक है। तो ये क्या है, कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड। दूसरी क्लासिफिकेशन है जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा जी, मुझे एक बात तो बताइए, क्या 2020 के प्रॉफिट्स 2020 की रात को फाइनल हो जाते हैं? मेरा बड़ा मासूमाना सा सादा सा सवाल है, सर अदनान की छाती मारने से पहले पहले ये बात पूछ लूं, क्या 2020 का साल जो है उसके प्रॉफिट्स 2020 की रात को फाइनल हो जाते हैं? कभी नहीं हो सकता। आपने लॉ तो पढ़ रखा है, आप कंपनी लॉ के अंदर नहीं पढ़ाओ, मुझे जरूरत भी नहीं, मैंने बस एक रेफरेंस ही देना है। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी 4 महीने में एजीएम करे। अगर ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 है तो इसका मतलब 30 अप्रैल 2020 तक उसको एजीएम करना जरूरी है, पाबंद है, और उस एजीएम का 21 दिन का नोटिस भी देना जरूरी है। यानी कि नोटिस चला जाना चाहिए 9 अप्रैल को अगर ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, ठीक है, और उस नोटिस के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लगा होना भी जरूरी है। इसका मतलब लॉ में भी देखे ना तो इतनी गुंजाइश है कि 31 दिसंबर 2020 वाला जो साल एंड हुआ है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप 9 अप्रैल तक फाइनल करके प्रिंट करा के भेज दें, और नॉर्मली होता भी इन्हीं दिनों में ही है जाके फाइनल। अब महीना डेढ़ लगा के ऑर्गेनाइजेशन सेटलेट करती है इसका अकाउंट्स को 20 के, और फिर ऑर्डर आता है वो चेक करके कहता है ये गलती है इसको सही कर लो। फाइनल कुछ चीजें नहीं हुई, फाइनल तभी होती है जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है, टप्पा लगाकर दे देता है कि ये हमने चेक कर ली है, एवरीथिंग इज ओके। जब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं होती तब तक वो प्रॉफिट्स फाइनल, अकाउंट्स फाइनल नहीं है, ठीक है। मतलब कि नेस्ले वाले को हफ्ता 10 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल दिया करते थे ईयर एंड के बाद, और हम परेशान होते थे कि यार ये इंसान नहीं हो सकते, जिन होंगे कि 6-7 दिन के अंदर, ईयर एंड के 7-8 दिन के अंदर अंदर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। यानी कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 31 दिसंबर 2020 के प्रॉफिट्स 31 दिसंबर 2020 में फाइनल हो जाएं। इसका मतलब 31 दिसंबर 2020 के प्रॉफिट्स फाइनल होंगे 21 में 2020 में हो ही नहीं सकते। तो फिर उन प्रॉफिट्स को देखकर डायरेक्टर जो डिविडेंड अनाउंस करेंगे वो फाइनल प्रॉफिट्स ऑफ 20 के बेस पर डिविडेंड अनाउंस होगा, तो उसे कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। ये होगा 2020 का, लेकिन हमेशा होगा 2021। इट विल नेवर हैपन कि आपका 20 का फाइनल डिविडेंड 20 में आ जाए, हो ही नहीं सकता। 20 का फाइनल हमेशा, इधर देखो, तो जो 19 का फाइनल होगा 19 का फाइनल 20 में, अच्छा 21 का फाइनल 21 में आएगा, नेवर 21 का फाइनल इन 2022। और एक चीज होती है इंटरिम डिविडेंड, वो क्या होता है, 6 महीने के प्रॉफिट्स, लिस्टेड कंपनी 6 महीने के अकाउंट भी बनाती है, 6 महीने के प्रॉफिट्स देके शेयरहोल्डर ने कहा यार कुछ इसी में से ही बांट दो, तो 20 के नॉन फाइनल इंटरिम प्रॉफिट्स की बेस पर जो डिविडेंड बांटा जाता है उसे कहा जाता है इंटरिम। तो इंटरिम ऑफ 20 हमेशा 20 में ही होगा, वो 21 में नहीं जाएगा, इंटरिम ऑफ 21 में, और 22 कल यहीं से बात शुरू करेंगे। नलतर वाला सवाल होमवर्क में है, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।